नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में ग्रीन फील्ड के बारे में, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे के बारे में। बिहार में सड़कों को लेकर बेहतर कार्य किया जा रहा है। सरकार यानी कि बिहार सरकार में सड़कों और पुल को लेकर हमेशा अपना पीठ थपथपाती है, जिसमें वह कहती है कि बिहार की सड़कें इतनी अच्छी है कि आप अपने जिला मुख्यालय से राजधानी पटना में आकर अपना काम पूरे एक दिन में करवा कर जा सकते हैं। बिहार में इन दिनों एक्सप्रेसवे, हाईवे और रिंग रोड पर लगातार कार्य किया जा रहा है। बिहार में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत 2025 तक नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे शुरू होने वाला है। यह एक्सप्रेसवे गोरखपुर से सिलीगुड़ी के बीच में होगा। इसकी दूरी 520 किलोमीटर होगी। कहा जा रहा है कि इस ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के लिए सर्वे का काम शुरू हो गया है। एक्सप्रेसवे को लेकर बिहार सरकार के साथ केंद्र सरकार भी लगातार नज़र बनाए हुए है। कहा जा रहा है कि गोरखपुर और सिलीगुड़ी की दूरी मात्र 6 घंटे में पूरी की जा सकती है। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से जितना दूसरे राज्य के लोगों को फायदा होगा, उससे कहीं ज़्यादा लाभ बिहार के लोगों को मिलने वाला है। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद से बिहार के 8 जिलों पर इसका साफ असर दिखने वाला है। मतलब कि यह जिला आर्थिक रूप से मजबूत होने वाला है। ये जिले हैं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। इन जिलों के लोगों को व्यापार के नए आयाम मिलने वाले हैं। साथ ही साथ यह भी बताया जा रहा है कि ग्रीनफील्ड हो जाने के बाद से इन जिलों में पेड़ पौधों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। कहा यह भी जा रहा है कि इन जिलों में हरियाली देखने को मिलने वाली है, क्योंकि पेड़ों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। गोरखपुर और सिलीगुड़ी तक बनने वाले इस एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा हिस्सा बिहार से होकर गुजरने वाला है। इसमें प्रदेश के कुल 416.2 किलोमीटर की लंबाई यहां से गुजरेगी, जबकि उत्तर प्रदेश में यह मात्र 84 किलोमीटर की होगी। तो वहीं पश्चिम बंगाल में 18.97 किलोमीटर इसकी दूरी मापी गई है। अन्य सड़कों के अनुसार इस एक्सप्रेसवे में एंट्री पॉइंट की संख्या कम होगी। अगर आप एक बार एक्सप्रेसवे पर ऊपर चढ़ जाने के बाद कोई प्रमुख शहर जब आपके आसपास आएगा, तभी आप इस एक्सप्रेसवे से बाहर हो सकते हैं। यानी कि अगर आप को मान लिया जाए गोरखपुर से और सिलीगुड़ी के बीच में कहीं अगर आप एक्सप्रेसवे के ऊपर चढ़े हैं, तो आपको कोई जो नया शहर मिलेगा, वो बड़ा शहर जब मिलेगा, तभी आप उस एक्सप्रेसवे को छोड़ सकते हैं। आपको इस सड़क में जो सबसे दूसरी अहम चीज़ बताई गई है, वो ये है कि आपको जो है इस सड़क में कहीं कहीं जो है एंट्री पॉइंट नहीं मिलेगा, आपको एक लिमिटेड एंट्री पॉइंट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि यह एक्सप्रेसवे अन्य सड़कों के बनिस्पत ज़्यादा सीधा होगा। इस एक्सप्रेसवे में ज़्यादा मुड़ाव या हम कहें कि ज़्यादा घुमाव नहीं होगा। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि यह एक्सप्रेसवे बिहार के जिन जिलों से होकर गुजरेगा, वहाँ की आर्थिक स्थिति में सुधार होने वाला है। अगर हम एक्सप्रेसवे के कार्य को देखें तो गोरखपुर सिलीगुड़ी के बीच में पूर्वी चंपारण में सर्वे का कार्य किया जा रहा है। मोतिहारी में रोड सर्वे का कार्य किया गया है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि हरसिद्धि में सर्वे का कार्य किया गया। इसके लिए DPR तैयार कर दिसंबर में टेंडर की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो एक तरह से कहें कि बिहार सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी बिहार में सड़कों की स्थिति को लेकर लगातार कार्यरत है। यही वो कड़ी है जिसमें हमने कई एक्सप्रेसवे, हाईवे, रिंग रोड, पुल को बनते हुए देखा है, और उसके उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रमों में बिहार के मुख्यमंत्री के साथ साथ परिवहन मंत्री, पथ निर्माण मंत्री के अलावा केंद्रीय मंत्रियों की भूमिका को हमने देखा, और उसमें हमने साफ तौर पर ये देखा है कि इन मंत्रियों की भागीदारी बिहार के सड़कों के विकास को लेकर बनी रही है। बिहार और बिहार से जुड़े हुए और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मिश्रित इजाज़त, धन्यवाद।